नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शाहजहानपुर में आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ महानगर के टाउन हॉल स्थित गांधी भवन में मनाया गया। इस मौके पर बसपा जिला अध्यक्ष अमरचंद जौहर के साथ साथ जिला इकाई के पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जन्मदिन तो हम लोग हर साल बड़ा उत्साह के साथ मनाते हैं आदरणीय बहन जी का अपना, और ऐसे ही हम लोग मनाते रहेंगे। मगर हमारा एक ही, क्योंकि सरकार के खिलाफ आदरणीय बहन जी हमारी लड़ रही है, लड़ती रहेंगी, और हम सब लोग आदरणीय बहन जी के साथ में हैं। हम लोग बहन जी के सिपाही हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो आदरणीय बहन जी का हम लोग लिए आदेश आता है, हम लोग उस पर काम करते हैं। आगे की जो अध्यक्ष जो चुनाव जो आ रहे हैं, इसके लिए आपने क्या रणनीति? आदरणीय हमारी जो भी नेता हम लोग आदेश देंगी, उस पर हम लोग काम करेंगे, अपने सही कैंडिडेट लगाएंगे और भाईचारा, मेन भाईचारा हम लोग बनाने काम कर रहे हैं। जो आदरणीय बहन जी ने हमें काम दिया है कि भाईचारा मजबूत करो, क्योंकि 2007 में हमारा भाईचारा बहुत मजबूत था और फिर हम लोग उसी पे लगे हैं भाईचारा मजबूत करने। आज जैसे आप देखा होगा, सर समाज के लोग मंच पे बैठे हुए थे, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, इसी तरीके से हमारा भाईचारा फिर बहुत तेज मजबूत हो रहा है। जिस तरह के भाजपा ने जो सीए एनआरसी जो लागू किया, इस बारे में आप कहेंगे? इस बारे में जो भाई उसने जो हाँ जो हमारी आदरणीय बहन जी का निर्देश है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी आए दिन हमारी आप लोग प्रेस में बात करती हैं, पूरी वार्ता अपनी बात बताती हैं, क्योंकि इन सरकारों काम ही है सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना। पब्लिक इनसे पूछती है कि कोई काम कराए तो कहते हम सीए ले आए हैं। पब्लिक पूछती इस पे तुमने क्या काम करा, तो एनआरसी ले आए। इसलिए ये सरकार सिर्फ हम सबको गुमराह कर रही है, मगर हम सब लोग इनकी बातों में उनकी गुमराह होने वाले नहीं है। धन्यवाद।